हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मीनू एंड वेलकम टू लर्न स्पार्क। तो आज हम बात करेंगे हेलिक्स टर्न हेलिक्स मोटिफ की। हेलिक्स टर्न हेलिक्स क्या है? एक मोटिफ है जो क्या है, एक डीएनए बाइंडिंग मोटिफ है। तो सबसे पहले हमें बताना चाहिए कि डीएनए बाइंडिंग मोटिफ क्या होते हैं। डीएनए बाइंडिंग मोटिफ क्या होते हैं? डीएनए बाइंडिंग मोटिफ क्या करते हैं? हेल्प करते हैं हमारे जो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं उनको बाइंड करने में डीएनए के साथ। डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन कौन से हैं? जैसे हमारे क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। तो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन क्या हो गए? हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ठीक है, जो ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करते हैं फैक्टर्स बेसिकली, वो बाइंड करते हैं किसके साथ जाके, डीएनए की। तो डीएनए बाइंडिंग मोटिफ का क्या रोल है? डीएनए बाइंडिंग मोटिफ ये मतलब सही करता है कि वो प्रॉपर जगह पे डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन जाके प्रॉपर जगह पे डीएनए के साथ अटैच हो सके। तो डीएनए बाइंडिंग मोटिफ का यही रोल है कि वो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन को एक रिकॉग्नाइज मतलब करके एक जगह प्रोवाइड करते हैं, वहां पे जाके क्या करके जो डीएनए के साथ वहां जाके बाइंड हो सके, और जिससे क्या है जो ट्रांसक्रिप्शन है वो हो पाए, ठीक है। तो ये काम था हमारे डीएनए बाइंडिंग मोटिफ का। अब डीएनए बाइंडिंग मोटिफ काफी टाइप के हैं, जो हेलिक्स टर्न हेलिक्स मोटिफ है ये भी क्या है, डीएनए बाइंडिंग मोटिफ ही है। ये सबसे पहले ही रिकॉग्नाइज किया गया था, मतलब सबसे फर्स्ट हम कह सकते हैं डीएनए बाइंडिंग मोटिफ जो मिला था ये है। अब हम बात करते हैं हेलिक्स टर्न मोटिफ क्या है। हेलिक्स टर्न हेलिक्स मतलब क्या है, एक हेलिक्स है हमारे पास अल्फा हेलिक्स, ठीक है, फिर क्या हो गई, एक टर्न आ गई, फिर से एक हेलिक्स है। इसका मतलब क्या हुआ, दो यहाँ पे हमारे पास क्या है, टू अल्फा हेलिक्स है, ठीक है, जिसके बीच में क्या है, जिसमें क्या है, एक बीच में टर्न आती है, टर्न जो बनी हुई है उसमें क्या है, वो बीटा टर्न है हमारी। अब जो टू अल्फा हेलिक्स के बीच में जो बीटा टर्न है वो किससे मिलके बनी हुई है, ये मिलके बनी हुई है फोर अमाइनो एसिड से, ठीक है, इसमें जो फोर अमाइनो एसिड है, जो सेकेंड अमाइनो एसिड इसमें प्रेजेंट है वो है ग्लाइसिन, ठीक है, इसलिए क्या है ये टर्न में हेल्प करता है। अल्फा हमने कहा हेलिक्स टर्न हेलिक्स। अब हम बात करते हैं कि ये कितने अमाइनो एसिड से मिलके बना हुआ है। हेलिक्स टर्न हेलिक्स अप्रोक्सीमेटली 20 अमाइनो एसिड से मिलके बना हुआ है। कितने अमाइनो एसिड इसमें, 20 अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, और ये हेल्प करता है डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स को वो डीएनए के साथ सही जगह पे जाके बाइंड कर सके। जो हमारे पास सेकेंड अल्फा हेलिक्स है उसे हम कहते हैं रिकॉग्नाइजेशन हेलिक्स भी कहा जाता है। रिकॉग्नाइजेशन हेलिक्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये रिकॉग्नाइज करता है उस साइट को जहां पे जाके डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन जो जाके बाइंड करेंगे, इसलिए हम इसको कहते हैं जो रिकॉग्नाइजेशन हेलिक्स कहा जाता है। अब हम बात की थी कि ये क्या है, इसके बीच में क्या है, एक टर्न है, अल्फा पहले मतलब हेलिक्स है, फिर टर्न है, फिर जो सेकंड हेलिक्स है। अब जो फर्स्ट और सेकंड के बीच में ये टर्न है और सेकंड हेलिक्स की पोजीशन यहाँ से स्टार्ट आती है, तो ये हेल्प करती है बाइंड करने में डीएनए में, और ये कहाँ पे जाके बाइंड करती है, जो डीएनए की मेजर ग्रुप है वहां पे जाके क्या करते हैं ये बाइंड कर जाती है, ठीक है। तो ये था इसके बारे में, हेलिक्स टर्न हेलिक्स के बारे में। अब इसमें क्या है, एक होमियो डोमेन बनती है, वो भी क्या है इससे ही बनी होती है, उसके बारे में बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, होमियोडोमेन। होमियोडोमेन क्या है, एक हेलिक्स टर्न हेलिक्स ही है, वो क्या है लेकिन एक्सटेंड की है थोड़ी, इससे क्या है एक्सटेंडेड उसे कहते हैं, क्या है वो एक्सटेंडेड हेलिक्स टर्न हेलिक्स मोटिफ है। अब वहां पे हमारे पास 20 अमीनो एसिड थे, यहाँ पे किससे अप्रोक्सीमेटली जो 60 अमीनो एसिड यहाँ से मिलकर बना हुआ है उससे, ठीक है। अब इसमें 60 अमाइनो एसिड को जो डीएनए की सीक्वेंस है वो कितनी है, 180 बेस पेयर सीक्वेंस को इसने कोड किया हुआ है, ठीक है, 180 बेस पेयर सीक्वेंस जिसे हम कहते हैं होमियो बॉक्स। अब इसमें जो हमने कहा कि होमियो डोमेन है, अब पहले वाले में हमारे पास 2 अल्फा हेलिक्स थी, यहाँ पे इसमें 3 अल्फा हेलिक्स हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है, और जो सेकेंड और थर्ड हेलिक्स है, जैसे हमारे पास ये सेकेंड हो गई, ये फर्स्ट है, सेकेंड और थर्ड हेलिक्स के बीच क्या है, एक टर्न है, ठीक है, जैसे पहले थे हमारे पास सेकेंड और जो थर्ड हेलिक्स है उसके बीच में क्या है, एक टर्न प्रेजेंट है,
और जो थर्ड हेलिक्स है उसमें अप्रोक्सीमेटली क्या है 17 अमाइनो एसिड से बनी हुई है, उसपे उसे ही कहा जाता है जो रिकॉग्नाइजेशन हेलिक्स है। रिकॉग्नाइजेशन हेलिक्स भी क्या है, जो हमारी थर्ड हेलिक्स है वो ही है। और थर्ड हेलिक्स है जो बाइंड करती है डीएनए के साथ उसकी मेजर ग्रुप के साथ। और जहां पे जो फर्स्ट टर्न है, फर्स्ट हेलिक्स है यहाँ पे प्रेजेंट है, वो बाइंड करती है डीएनए के जो माइनर ग्रुप के साथ। तो ये था हमारे पास जो हेलिक्स टर्न, हेलिक्स मोटिव के बारे में कि हमें कहां पे जाके वो बाइंड करती है। अब हम बात करेंगे हेलिक्स लूप हेलिक्स, यहाँ पे तो टर्न था, अब हम बात करेंगे हेलिक्स लूप हेलिक्स मोटिव की। तो ये भी क्या है, एक डीएनए मोटिव ही है, ठीक है, जो हेल्प करते हैं हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को डीएनए पे सही जगह पे बाइंड करने में। तो अब इसके बारे में देखते हैं। तो हेलिक्स लूप हेलिक्स क्या है, ये हेल्प करती है डीएनए बाइंडिंग में एंड डाइमराइजेशन में। जैसे कि क्या हेल्प कर रहा है, जैसे हमारा जो ल्यूसिन जिपर मोटिफ है जैसे वो काम करता है, सिमिलरली क्या है ये काम कर रहा है जो हेलिक्स लूप हेलिक्स है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें हमारे पास टू अल्फा हेलिक्स प्रेजेंट है जो अप्रोक्सीमेटली इसमें क्या है 15-16 रेजिड्यूज है वहां पे प्रेजेंट, ठीक है। अब दोनों हेलिक्स जो हमारे पास प्रेजेंट है वो सेपरेट होती है बाय अ वेरिएबल चेन, ठीक है, ये किसके थ्रू सेपरेट हो रही है बाय अ वेरिएबल चेन। और वो वेरिएबल चेन हम कह सकते हैं, जैसे हमारे पास क्या होगी एक हेलिक्स इस तरह है, ठीक है, एक हेलिक्स इस तरह है यहाँ पे प्रेजेंट, तो दोनों को एक लूप से क्या कर रही है वो डिफरेंशिएट कर रही है। अब वो लूप है जो उसमें अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 12-28 अमाइनो एसिड से वो लूप जो बनी हुई है जो दोनों अल्फा हेलिक्स को क्या कर रही है सेपरेट कर रही है, ठीक है। तो ये था हमारे पास हेलिक्स लूप हेलिक्स के बारे में, ये हेल्प कर रही है डीएनए बाइंडिंग में और जो उसकी डाइमराइजेशन में, और ये जो सिमिलरली काम करती है हमारे ल्यूसिन जिपर मोटिव की तरह, ठीक है, जिसे वो काम करता है। तो ये था हमारा जो डीएनए बाइंडिंग मोटिव के बारे में। तो मैं होप करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आएगा उसे जरूर दबाएं, उससे क्या होगा इस चैनल की जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आपके पास पहले पहुंच जाएगी। थैंक यू।